into the car. Moving on. ठीक है, सही है। तो फिर मुझे जो है ना आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं डॉक्टर हिना इमरान, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंचार्ज रिहैबिलिटेशन यूनिट फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, आपके सामने इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बता दूँ कि आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, एंगर एंड इट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्वारंटाइन। उसके साथ साथ हम स्ट्रेस पे भी थोड़ी बात करेंगे। मीनवाइल जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पुट कर रहे हैं, उनका जो है मेरी टीम भी मुझे जो है फैसिलिटेट करती रहेगी, और गाहे बगाहे बीच बीच में मैं उनके आंसर करती रहूँगी। हाउएवर, जितने आपने कुछ क्वेश्चंस पहले भेजे थे, मैंने उन्हीं को जहन में रखते हुए अपनी आज की ये टॉक तरतीब दी है। पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे पास एक घंटे का टाइम है, मैं आपको आउटलाइन बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे, वैसे तो हमको बहुत ज़्यादा मालूम है शायद, एंगर है क्या। हम ये समझेंगे अपने एंगर को अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं, उसके क्या ट्रिगर्स होते हैं, हम पहले जो लेवल पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हेल्दी और अनहेल्दी वेज क्या हैं एंगर एक्सप्रेशन के, और तीसरे लेवल पर हम देखेंगे कि अगर हम इस इमोशन को, जो कि एक जनरल एक इमोशन है, अपनी लाइफ में फेस करते हैं तो हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बता दूँ कि कंट्रोल का वर्ड अवॉइड किया है और मैनेज का वर्ड हमने यूज़ किया है, और उसकी स्पेसिफिक वजह ही यही है कि एंगर जो है एक नॉर्मल इमोशन है, एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ और दूसरे जज्बात और एहसासात या कैफियात होती हैं जो हम महसूस करते हैं, एंगर भी बिल्कुल एक नॉर्मल ही इमोशन है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन अ सेंस कि ये सेकेंडरी इमोशन है। जब हम प्राइमरी इमोशंस की बात करते हैं या हम सेकेंडरी इमोशंस की बात करते हैं, तो प्राइमरी इमोशन वो है जो हमारे बेसिक इमोशन हैं, जो इनबिल्ट इमोशन हैं, जो हमें अता किए गए हैं, और कुछ वो 8 बेसिक इमोशन हैं। हम अपने फर्दर जो आगे के प्रोग्राम्स होंगे लेटर, उन पे इस पे बात करेंगे, लेकिन जो इसलिए कि इस वक्त हमारा टॉपिक फिलहाल एंगर है। एंगर सेकेंडरी इमोशन क्यों है, क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है अंडरलाइन मल्टीपल दूसरे इमोशंस से। वो क्या हैं, वो कौन सी कैफियत होती हैं जो लीड करती हैं फर्दर एंगर की तरफ, हम उनको भी जो है आगे प्रोग्राम में लर्न करेंगे। सबसे पहले जो मैं एंगर का एक्रोनियम है वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि रिसर्चेस ये कहती हैं और मेमोरी के जितने भी वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया, वो ये कहते हैं कि एक्रोनियम जो है सबसे बेस्ट वे है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें, किसी भी चीज़ को समझ सकें कि वो कैफियत होती क्या है। तो ANGER, एंगर, ए फॉर जो है बेसिकली इट्स सेट के एसिडिक नेगेटिविटी greatly endanger relationship। मैंने कहा कि anger एक normal emotion है, लेकिन अगर हम इसकी management adequate ना कर पाएं तो हमारे relationship, हमारी working life, हमारी even family life, हमारी अपनी जो self की जो एक understanding है या self की जो अपनी एक जिसे आप कहें worth होती है, वो सारी चीज़ें affect होती हैं। इसलिए इसको एक्रोनियम को किसी ने बड़ा बेस्ट डिफाइन किया है कि दैट इज़ बेसिकली एन एसिडिक नेगेटिविटी ग्रेटली इंडेंजर योर ऑल रिलेशनशिप्स। सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इमोशन की पर्टिकुलरली, तो इमोशन इट्सेल्फ बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इमोशंस जो है आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिटरमाइन करती है। आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इसका मतलब कि हर कोई जो भी इमोशन महसूस करता है वो अपने तौर पर मुख्तलिफ तरह से उसे एक्सपीरियंस करता है, तो इसलिए ये नंबर 1 एस्पेक्ट जो कॉम्प्लेक्स है कि ये हर किसी के लिए एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग है। आप जिस तरह एंगर फील करते हैं और उसे रिस्पॉन्स करते हैं वो चीज़ फ़र्क होती है होगी, जिस चीज़ों पे मैं शायद एंग्री फील करती हूँ और जो मेरा रिस्पॉन्स का तरीका होगा वो अलग हो सकता है। यानी कि इमोशंस की ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं तो वो वेरिएबल होते हैं और वो वेरी करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि एंगर इमोशन है, इमोशन एक फीलिंग है,
हर इमोशन कोई खास किस्म का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसे ट्रिगर करता है। इसका मतलब है कि हमारा हर इमोशन हमारी बायोलॉजी और हमारी फिजियोलॉजी को ट्रिगर करने की और ऑल्टर करने की इनबिल्ट सलाहियत रखता है। इसलिए हर इमोशन ही कॉम्प्लेक्स है और एंगर स्पेसिफिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो पर्सन होता है वो अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाता। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है बिहेवियरल एक्सप्रेशन रिस्पॉन्स, यानी कि आप जब भी किसी जज्बाती कैफियत में होते हैं तो आप उसे अपने बिहेवियर में या अपने रिस्पॉन्स में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इन तीन कॉम्पोनेंट्स पर इमोशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है। अब अगर हम गौर करें तो जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी कि मैं महसूस कैसे करती हूँ, मैं उसको इंटरप्रेट कैसे करती हूँ, मैं उसे परसीव कैसे करती हूँ, ये दोनों चीज़ें तो शायद मैं उन पे काम कर सकती हूँ। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात आती है तो बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि आपके ब्रेन में जो आपका पार्ट है, जो आपका इमोशनल सेंटर है, जो एमिग्डाला है, बेसिकली वो इस रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। जब भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो मेरे और आपके डायरेक्ट इख्तियार में नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस के हम उसे डिलेइंग स्ट्रैटेजी के थ्रू मैनेज कर सके। सो एंगर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे समझने के लिए हमें इन तीनों बातों को जहन में रखते हुए अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको की लर्निंग की तरफ कि किस तरह बेटर वे ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है हमारे रिलेशनशिप में, ठीक है, या हमारी वर्किंग सिचुएशन में या हमारी डेली लाइफ में, हम उसको ग्रेजुअली सीखेंगे। इसका मतलब है कि एंगर फील करना कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल बात है बिकॉज एंगर ही एक ऐसा इमोशन है जो आपको एनर्जी देता है बहुत दफ़ा ऐसे एक्शंस की तरफ जिसमें आपकी मैक्सिमम लर्निंग्स होती हैं और आप अपनी प्रोटेक्शन की तरफ और सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि ट्रिगर्स होते क्या हैं, तो हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि थॉट के लेवल पर क्या होते हैं, हमारी सोच के लेवल पर क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, सिचुएशन की लेवल पर क्या ट्रिगर हो सकते हैं जनरली, या हमारी रिलेशनशिप के लेवल पर ऐसे क्या ट्रिगर हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एंगर को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एंगर को मैनेज करने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना यहाँ पे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले बैकग्राउंड इसलिए बना रही हूँ सो दैट कि जब हम आगे जितनी भी टेक्निक्स की बात करेंगे या हम ट्रिगर्स की बात करेंगे तो हम इसको रिलेट कर सकें। एंगर के कॉन्सेप्ट में रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली एंगर किस वक्त प्रॉब्लम करता है, उस वक्त प्रॉब्लम करता है जब आप रिस्पॉन्स के बजाय इमीडिएट रिएक्शन की तरफ आते हैं, यानी बगैर सोचे समझे एक्ट की तरफ जाते हैं, अपने इमोशन को अंडरस्टैंड किए बगैर, अपने इमोशन को प्रोसेस किए बगैर फौरन ही जो है रिएक्शन की तरफ आते हैं। और उस रिएक्शन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है जस्ट टू मेक योर सेल्फ सेफ, जस्ट टू डिफेंड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन टू होम यू फील लाइक दैट कि वो आपको इंसल्ट कर रहा है या शायद वो आपको रिजेक्ट कर रहा है या शायद वो आपकी बात उस तरह से नहीं मान रहा है जिस तरह से उसे माननी चाहिए या आपकी मर्जी के बरखिलाफ कोई बात हो रही है, और आप फौरन से स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन देते हैं। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है। अगर हम रिस्पॉन्स की कैटेगरी की तरफ अपने आप को मूव कर लें, अगर हम ये लर्न कर लें कि हमें रिएक्शन के बजाय स्विच रिस्पॉन्स पे कैसे करना है, तो भी हम एडिक्वेटली अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं और इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो मॉडल कहता है वो ये कहता है कि एंगर इसलिए प्रॉब्लमैटिक होता है लोगों की लाइफ में कि वो बजाय इमोशनल प्रोसेसिंग के वो अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चेस, मुख्तलिफ लिटरेचर्स और जितने भी जनरल जिसे आप कहें साइकोलॉजिस्ट की जो एक्सपीरियंसेस हैं
वो ये बताते हैं कि यूजुअली, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंगर सेकेंडरी इमोशन है, यूजुअली एंगर के पीछे मल्टीपल इमोशनल रिएक्शंस होते हैं अंडरलाइन, और आपको फेस के ऊपर, और एक जैसे आप कहें जैसे एक आइसबर्ग होता है ना समंदर में, ग्लेशियर होता है, आइसबर्ग होता है, आपको उसकी सिर्फ छोटी पीक नजर आ रही होती है समंदर से ऊपर, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा गहराई में, उसकी डेप्थ में मैक्सिमम उसकी जिसे आप कहें रूट्स मौजूद होती हैं। एंगर भी बिल्कुल इसी तरह से एक सुपरफिशियल रिएक्शन है जो कि बेस करता है आपकी हर्ट फीलिंग पर, आपकी सेंस ऑफ रिजेक्शन पर, आपकी सेंस ऑफ बीइंग मैनिपुलेशन पर, आपकी हर्ट फीलिंग्स पर, और इसी डिप्रेशन पर, ग्रीफ पर, गिल्ट पर, रिग्रेट्स पर, एंजाइटी पर, फियर पर, मल्टीपल लेवल के इमोशंस हैं जो बेसिकली आपकी जो इमोशनल इम्यूनिटी है उसको जब थ्रेटन कर रहे होते हैं तो हम सरफेस लेवल पर एंगर रिएक्शंस या इरिटेबिलिटी फेस करते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ये लर्न करें कि हमें अपने एंगर को मैनेज कैसे करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इमोशनल प्रोसेसिंग को समझना पड़ेगा, हमें अपने वो अंडरलाइन इमोशंस प्रोसेस करने पड़ेंगे जो कि हमने अवॉइडेंस के तौर पर सप्रेस करके रखे हुए हैं। यूजुअली ये होता है कि हम लोगों को देखा गया है कि ज़्यादातर या तो वो एकदम रिएक्ट करते हैं और या फिर वो टोटली अवॉइड करते हैं, सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोगों का एंगर रिएक्शन का जो वे होता है, एंगर एक्सप्रेशन का जो वे होता है, वो अवॉइडेंस इस सेंस में होता है कि वो पैसिवली रिएक्ट करते हैं, या तो वो उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, या तो वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू, ठीक है, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन को हॉल्ट कर लेते हैं, वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, उनको ये लगता है कि शायद वो कम्युनिकेशन उन्हें फर्दर जो है और प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा या रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगा, और वो उस पर बात नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है सीखने वाली कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, किसी भी दूसरे पर्सन को उस वक्त तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि आप कैसा फील कर रहे हैं जब तक कि आप उसे एडिकेटली कम्युनिकेट उसके सामने नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमें मैनेजमेंट के लिए ये लर्न करना भी जरूरी है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है, हम उसे कैसे असर्टिवली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी इवन एजुकेशन में भी इस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते, हमने सीखा नहीं होता, हालांकि ये स्किल रिक्वायर्ड है यूजुअली, मैक्सिमम जो तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं असर्टिवली। असर्टिवली का मतलब कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपनी फीलिंग्स जब दूसरे से इजहार कर रही हूँ तो मैं ना दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, ना मैं दूसरे को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं दूसरे को इंसल्ट करना मेरा इंटेंशन है, बल्कि दूसरे तक मुझे ये मैसेज कम्युनिकेट करना है कि व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग ड्यू टू हिज और हर बिहेवियर और व्हाट एवर सिचुएशन आई एम इनकाउंटरिंग इन माई लाइफ। सो अगर हम ये एक्सप्रेशन का वे भी सीख लें, हम अपने अल्फाज के चुनाव में मोहतात हो सकें, ठीक है, तो भी हम अपने जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जो एंगर मैनेजमेंट है, या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हम उसमें एडिकेटली जो है वो लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ अब ये समझने की ज़रूरत है, वैसे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है इस बारे में आइडिया रखते हैं कि अनहेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेशन या अनहेल्दी एंगर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि एंगर एक हेल्दी इमोशन है, एंगर बैड नहीं है, एंगर को हम गुड की कैटेगरी में भी एज सच नहीं डालते, बैड की कैटेगरी में भी नहीं डालते। आपका और मेरा जो तरीका कार है इजहार का, कि मैं अपने रवैये में, मैं अपने अल्फाज के थ्रू उसका इजहार कैसे करती हूँ, ये बनाएगा उसको सही या गलत। तो अनहेल्दी वेज को अगर हम देखें, और आप भी अपने इर्द गिर्द नोटिस करते होंगे कि आप अनहेल्दी वेज में, अगर लोग जो है आपकी बातों से हर्ट होते हैं,
लोग आपकी बातों से डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं जिस वक्त आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं, या आपका कंट्रोल अपने इमोशन, एंगर इमोशन पे इतना नहीं है और आप बिहेवियरली यानी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी एग्रेसिव बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट करते हैं जिनमें आपका चीखना चिल्लाना, जिसे आप येलिंग कहते हैं या शाउटिंग कहते हैं, वो भी है, जिसमें हिटिंग हो सकती है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कि आप किसी को फिजिकली हिट करें, जिसमें थ्रोइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि आप बेजरर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर अपना गुस्सा निकालें, चीज़ें उठा पटक करें। यूजुअली आपको इस तरह के सिनेरियोज अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं जो लोग अपने एंगर एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। या फिर आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि क्रॉनिक एंगर का शिकार होते हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ ऑन गोइंग लेवल पर वो जो है अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो जब आपका एंगर क्रॉनिक हो या जब आपका एंगर एग्रेसिव बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होना होने लगे और आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने लगे, जब आपको ये लगे कि आप अपनी स्टेट जो है वो टोटली मेंटेन नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ, सोशल एक्टिविटीज भी इम्पेक्ट हो रही हैं और आपकी वर्किंग सिचुएशन भी, तो उस वक्त आपको हर सूरत किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपको ऐसे वेज सिखा सके जिससे आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकें और साथ साथ आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सके कि आपके बेसिक ट्रिगर्स क्या हैं एंगर के, ताकि आप समझ सकें अपने उस इमोशनल एक्सप्रेशन को जो कि एंगर के थ्रू आउटलेट की तरफ जा रहा है। तो इट्स नॉट ओनली सिंपल गेम कि हम ये कह दें कि ये सिर्फ एंगर है, देर आर मल्टीपल थिंग्स, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, ठीक है, योर पास्ट इवन मेमोरीज जो कि जिसे आप कहें आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि एंगर एक ऐसा स्ट्रांग इमोशन है जिसमें ये सलाहियत है कि वो बहुत क्विक पॉपअप करता है आपकी तमाम उन नेगेटिव मेमोरीज को, ठीक है, उन तमाम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जो आपने फेस किए होते हैं। और जब ही आप नोटिस करते होंगे कि चाहे आप अपने रिलेशनशिप में जितनी दफ़ा भी रिजॉल्व कर चुके हुए होते हैं चीज़ों को, लेकिन जिस वक्त आप गुस्से की कैफियत में होते हैं तो आप पूरा पिछला शुरू से लेके आखिर तक जो है वो चीज़ों को वापस से दोहराते हैं और रिपीट करते हैं, जो कि ये इंडिकेशन है कि इसका मतलब है कि जो आपकी पास्ट अनरिजॉल्व जो एक्सपीरियंसेस हैं नेगेटिव, ठीक है, उनको भी हील होने की ज़रूरत है। सो अब तक हम ये समझ पाए हैं कि एंगर एक नॉर्मल इमोशन है, एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इमोशन है। तीन लेवल पर इमोशन हमेशा ऑपरेट करता है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि मैं परसीव कैसे करती हूँ, मेरे लिए उसकी क्या वैल्यू है, एक मेरा बिहेवियरल एक्सप्रेशन कि मैं उसे एक्सप्रेस कैसे करती हूँ, और तीसरी इंतहाई अहम चीज़ जो मेरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये तीनों चीज़ें जो है एक इमोशंस की बेसिक इन्ग्रीडियंट हैं और हमेशा इनकी मैनेजमेंट, किसी भी इमोशन की मैनेजमेंट में हमें इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को लेने की ज़रूरत है। हमें सीखना यह है तमाम टेक्निक से कि हम रिस्पॉन्स की तरफ कैसे जाएंगे, रिएक्शन के मोड से हटेंगे, रिस्पॉन्स की तरफ कैसे जाएंगे, अवॉइडेंस से कैसे हटेंगे और इमोशनली चीजों को कैसे प्रोसेस करेंगे। लोग हमेशा ये भी पूछते हैं कि अनहेल्दी एंगर तो बहुत कॉमनली जैसे आप कहें आइडेंटिफाइड है, हेल्दी एंगर क्या होता है ये? तो हेल्दी एंगर आपने भी अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, ये जरूर है कि कभी शायद आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर सके। जब कभी कोई आपको चैलेंज करता है, जब कभी आपकी कोई सेल्फ हर्ट होती है और आप किसी टास्क को एज ए चैलेंज लेते हैं और अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप गोल्स अपनी, जिसे आप कहें एक्टिविटीज, डायरेक्टेड तरीके से स्टार्ट करते हैं और उस गोल को अचीव करते हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ लीड करती है, ये हेल्दी एंगर है। हेल्दी एंगर वो है जो असर्टिव एंगर है, ठीक है, जहां पर मैं अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करते हुए, अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करते हुए, अपनी जो बेतहाशा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंगर की सूरत में, मैं उसको यूटिलाइज करूं किसी पॉजिटिव अचीवमेंट के तौर पर, या मैं अपनी लाइफ में उसे यूज करूं अपने किसी गोल की अचीवमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स अपनी ही लाइफ में मिल जाएंगे अगर आप उसे रिव्यू करेंगे। हम बहुत दफा, यानी किसी ने हमें ये कैसे कह दिया, ठीक है, कोई हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। अक्सर आपके जहन में जब इस तरह के ख्यालात आते हैं और आप उन्हें बिहेवियरली जो है अकम्प्लिश भी करते हैं, ये
ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपके अप्रोप्रिएट हेल्दी एंगर की। अगर आपका एंगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है तो दैट इज हेल्दी एंगर। लेकिन अगर आपका यही एंगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाता है, जहाँ पर आप स्टक महसूस करते हैं, जहाँ पर आप अपनी पास्ट रिमिनेशन में यानी मुसलसल माजी में या मुसलसल फ्यूचर की एप्रीहेंशंस में स्टक हो जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव है। अब अगर हम ये समझें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लेवल पर और इमोशनल रिस्पॉन्स के लेवल पर कि आप इमोशंस आपको नोटिस करना, मॉनिटर करना ये ज़रूरी है कि जब आप एंगर की कैफियत में तो आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेस क्या हैं, यानी इंटरनल रिस्पॉन्सेस क्या हैं और आपकी फीलिंग्स उस वक्त एसोसिएटेड क्या हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप गुस्से की कैफियत में हो तो उस वक्त आप कोई एक ही इमोशन सबसाइड फील कर रहे हो, मल्टीपल इमोशंस हो सकते हैं। पहला काम आपका यह है कि आप अपने एंगर को अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मेरा एंगर मुख्तलिफ हो सकता है, आपका एंगर मुख्तलिफ हो सकता है, बच्चे का एंगर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। आप जनरली एंगर जो है हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। एंगर के जो फिजिकल साइंस हैं, फिजियोलॉजिकल साइंस हैं, उसमें आप बहुत दफा जो आपकी हार्ट रेट है, आपके दिल की रफ्तार जो है धड़कने की वो तेज हो जाती है, आपका जो ब्रीदिंग रेट है, जो आपकी सांस की रफ्तार है, सांस का उतार चढ़ाव जो होता है वो तेज भी होता है, और आप बजाय फुल जिसे आप कहें डायफ्रामिक ब्रीदिंग के यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बजाय आप चेस्ट के शेलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ये मेरे और आपके अख्तियार में नहीं होता। इसके अलावा आप बॉडी टेम्परेचर में चेंज फील करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ये फील करते हैं कि उन्हें अपने फेस पे स्वेटिंग फील होती है, हाथों में स्वेटिंग फील होती है, या बाज दफ़ा ऐसा लगता है कि कानों से धुआं निकल रहा है, ठीक है। यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता हुआ महसूस होता है, अपने जो बॉडी मसल है वो टेंस्ड फील होते हैं, और यूजुअली जो लोग जो एक सबसे कॉमन फिजियोलॉजिकल जो बिहेवियरल इंडिकेटर है वो आपका जो फिस्ट है वो क्लेंचिंग फिस्ट जिसे आप कहते हैं, ये जो कैफियत होती है, ठीक है। ये साइंस हैं और ये वार्निंग साइंस भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है कि मेरे एंगर की कैफियत में मेरे कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो एक्टिवेट होते हैं। जिस वक्त मुझे जैसे ही ये एक्टिवेशन पता चले तो मुझे चाहिए कि मैं इन्हें नोटिस करूं, और मेरे अलार्म बज रहा है अगर कि ओके फाइन, इसका मतलब है कि मैं एंगर के इमोशन को एक्सपीरियंस करने के रस्ते में हूं, ठीक है। अगर मैं पहले से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लूंगी तो इसका मतलब है कि मैं कोई इफेक्टिव प्लानिंग भी कर सकती हूं कि आगे जो आने वाली सिचुएशन है उसे मैं कैसे मैनेज करूं। दूसरा, मेरा जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है मुझे ये भी मॉनिटर करना है कि एंगर के पीछे मेरी कौन सी इन्वेंट्री है इमोशन की जो चल रही है। बहुत दफा तरीका कार ये होता है जब हम सेशंस कंडक्ट करते हैं कि देयर वहां एक इन्वेंट्री होती है इमोशंस की, जिसमें मुख्तलिफ इमोशंस होते हैं और पर्सन पिक करता है कि एंगर के पीछे उसके साथ साथ वो कौन से और दूसरे प्राइमरी इमोशंस हैं जो वो फील करता है, जिसमें आपकी जिसे आप कहें इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, रिसेंटमेंट की फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी पिछली बात हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई फियर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, किसी बात का रिग्रेट या किसी बात का गिल्ट हो सकता है। आपको ये मॉनिटर करना जरूरी है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल रिस्पॉन्स मेरे इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने ट्रिगर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैंने पहले स्टेप पे मैं आप अंडरस्टैंड कर रही हूँ अपने इमोशन को फिजिकल लेवल पर और इमोशनल इंडिकेटर के लेवल पर, वो मैंने पिक कर लिया, ठीक है। अब सेकंड लेवल पर मैं आ रही हूँ कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स क्या, ट्रिगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज प्रोसेस को एक्टिवेट करने की सलाहियत करती रखती है। तो हम जब इमोशनल ट्रिगर्स की, हम एंगर ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं तो वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप फेस कर रहे हैं जो ट्रिगर कर सकती है आपके एंगर को, वो आपकी अपनी कोई थॉट भी हो सकती है, ठीक है, आपकी सोच भी हो सकती है, आपकी कोई परसेप्शन हो सकती है या जजमेंट हो सकती है किसी भी सिचुएशन के हवाले से, और तीसरे लेवल पर वो कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो सकता है, लाइफ इंसिडेंट हो सकता है
जिसमें जो है अचानक एक जिसे आप सडन जिसे आप कहते हैं सिचुएशनल इंसिडेंट हो सकता है जो कि पॉपअप कर सकता है आप जो एंगर रिएक्शन को. सो यूजुअली जब देखा जाता है ट्रिगर्स को कैटेगराइज करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात और पल जिसे आप कहें कि जो लोग हैं बेसिकली आपके ट्रिगर एंगर का, क्योंकि एंगर एक एक्चुअली जिसे हम कहते हैं डिफेंसिव इमोशन भी है, एक डिफेंसिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें इनसिक्योरिटी या थ्रेट के लेवल पे जो है से बचाता है. हम इसे एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं. तो यूजुअली जो ट्रिगर्स होते हैं वो बेसिकली जब आपको लगता है, जब किसी शख्स को ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों पर इख्तियार नहीं रखता या उसकी जिंदगी से उसका जो कंट्रोल है वो लूज हो रहा है, उसमें जो होने वाले इवेंट्स हैं या उसमें जो उसके अपने रिलेशनशिप्स हैं, यानी फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है फ्रॉम योर ओन लाइफ, ये ट्रिगर करती है एंगर को. आप रिलेट कर सकते हैं अपनी चीजों को याद करते हुए, यूटिलाइज करते हुए, कि आपके साथ जब एक्सपीरियंस ऐसा होता है, आप अगर कैटेगराइज करेंगे तो आपको इन्हीं कैटेगरी में आसपास जो है वो एक्सपीरियंस फॉल करते हुए नजर आएंगे. जब आप आउट ऑफ कंट्रोल किसी की भी वजह से कर सकते हैं, वो किसी भी शख्स का कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है, वो इन्वायरल कोई सिचुएशन हो सकती है, वो वर्किंग कोई सिचुएशन हो सकती है, वो वॉट एवर कोई डिमांड जो है वो बॉस की तरफ से होती है, वॉट एवर. सेकेंड जो है बिलीविंग समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है एंगर का, कि एहसास होना, ये इस चीज सेंस करना कि लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं या लोग मुझे यूज कर रहे हैं या लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं. ये वाली जो थिंकिंग होती है या ये जो बिलीफ होता है ये बहुत क्विक ट्रिगर करता है आपके एंगर को, और बेसिकली ये रिलेट करता है आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है माइंड रीडिंग. आप या इंसान कोई भी जो पर्सन होता है वो बेसिकली ये पढ़ना शुरू करता है कि दूसरा मेरे बारे में ये सोच रहा है, उसके इस एक्शन का ये मतलब है, इसे हम माइंड रीडिंग कहते हैं, ठीक है, कि हाउएवर कि ना मैं थॉट देख सकती हूँ ना उसने मुझसे अपनी थॉट एक्सप्रेस की है, बट दिस इज बेसिकली अ रेंडम गेस, ठीक है, जो मैं अपनी फीलिंग की बेसिस पे जज करना और इवेलुएट करना जो है शुरू कर रही हूँ. ये वाला जो बिलीव है कि लोग मुझे मैनिपुलेट करते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, लोग जो है मुझे यूज करते हैं, लोग सिंसियर नहीं हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ सिंसियर हैं लेकिन लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस टाइप के जो बिलीव्स हैं वो आपके एंगर रिएक्शन को जो है वो बहुत क्विक जो है वो पॉपअप करते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट जो थॉट होती है वाली जो सिचुएशन हो सकती है कि आप यानी आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती, ठीक है, कि आप मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर सके, वो चाहे आपकी हो और चाहे वो आपके इर्द गिर्द रहने वालों की हो, ठीक है. यूजुअली जो अपने से एक्सपेक्टेशंस, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन अदर्स से जो अराउंड यू हैं और आपकी अपनी सेल्फ से जो है इस हवाले से इनफ्लेक्सिबल होती हैं कि मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती. अगर कोई चीज गलत हो गई है, ठीक है, या अगर कोई चीज उस से नहीं हुई है जिस तरह से आपने चाहा है, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते थे, तो वहां पर बहुत दफा जो एक जजमेंट क्रिएट होती है सेल्फ के हवाले से या दूसरों के हवाले से जो कि एंगर को पॉपअप करती है. अगर हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब है मोर हाउ जो मैंने ये तीन आपको लिस्ट बताए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो ट्रिगर्स जो है लोगों के यूजुअली फॉल करते हैं. अल्फाज का जो है फर्क जरूर हो सकता है, एक्सप्रेशन का फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन ये तीन ही मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें आप अदर्स की, सेल्फ की और सिचुएशन ही की बात करते हैं. जब मेरी लाइफ मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं लगती है, किसी भी रीजन की वजह से हो, वो किसी पर्सन की वजह से हो, सिचुएशन की वजह से हो, जब मुझे ये लगे कि लोग जो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, लोग मुझे यूज करते हैं, लोग मुझे मैनिपुलेट करते हैं, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लोग जो है मुझे इंसल्ट करते हैं, लोग मुझे शायद कमतर समझते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, इस तरह के थॉट्स या इस तरह का बिलीफ सिस्टम जो है वो ट्रिगर करता है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेल्फ से और मिस्टेक की जिसे आप कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं होती, ठीक है, अपने आप को अलाउ नहीं करते कि लाइफ में जो है
कोई पर्सन जो है वो मिस्टेक कर सकता है, ठीक है, वहां पर जो है इस तरह की फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अब ये तो मेन कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा एंगर इमोशन है क्या, ठीक है, उसके क्या फिजियोलॉजिकल साइंस, क्या इमोशनल साइंस हैं, और तीसरी कि जर उसके ट्रिगर्स क्या हैं। अब जब कंट्रोल के लेवल पर या मैनेजमेंट के लेवल पर अगर हम मूव करें, तो उससे पहले मैं चाहूंगी हम पहले प्रिवेंशन पे बात करें। प्रिवेंशन पे मैं क्यों बात करना चाहती हूं, इसलिए जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लेक्स इमोशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जब आपके ट्रिगर्स जो है हर किसी पर्सन को पता होता है कि उसको उसकी क्या लाइक्स हैं, उसके डिसलाइक्स हैं, ठीक है, मुझे पता है कि जब एक दफा मेरा सिस्टम एक्टिवेट होगा तो मेरे लिए अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शायद हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, तो हमें प्रिवेंटिव स्टेजेस पे जाना जो है वो ज्यादा हमारे लिए सेफ होता है। लेकिन यूजुअली लोग जो है बहुत जैसे आप कह ट्रेनिंग के बाद जो है इस चीज को लर्न कर पाते हैं कि वो प्रिवेंटिव मोड में कैसे जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो रिएक्शन ही की तरफ आ जाता है। प्रिवेंशन के लिए बेसिकली जो डिलेइंग स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, वो या डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जब भी कभी इस नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन है, यानी कि आप अनहेल्दी वे ऑफ एंगर एक्सप्रेशन की तरफ टिल्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्टिंग और डिलेइंग स्ट्रैटेजीज की तरफ आए। मैनेज करने के लिए इसका मतलब है कि मुझे अपने थॉट भी मैनेज करने होंगे, मुझे अपनी फीलिंग्स को रिबिल्ड करना होगा, ठीक है, और मुझे अपने बिहेवियर को जिसे आप कहें रिस्पॉन्स की तरफ लाना पड़ेगा, रीबिल्ड अगेन उसे भी करना पड़ेगा। सबसे एंगर को डील करने के लिए ये जरूरी है कि आप कामनेस की तरफ जाएं। एंगर और कामनेस दो ऑपोजिट चीजें हैं, एंगर और रिलैक्सेशन दो ऑपोजिट चीजें हैं। एंगर स्टेट में जैसे आपने बहुत दफा ये कोट सुनी होगी ना कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसमें जो जबान है वो बहुत ज्यादा तेजी से चलती, माइंड जो होता है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, माइंड की वर्किंग बहुत स्लो होती है, और वर्ली जो है कोई पर्सन एक्सप्रेशन के लेवल पर जो है वो ज्यादा जिसे आप कहें रिफ्लेक्ट रहा होता है। और जो बहुत दाना लोग कहते हैं कि जब आप एंगर कैफियत में होते हैं तो आप तकरीर तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो तकरीर में एक फ्लो चाहिए होता है, ठीक है, तकरीर तो आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो तकरीर ऐसी होती है कि जिंदगी भर बाद में आप उस पर पछताते हैं। ये क्यों है, इसलिए क्योंकि एंगर का जो इमोशनल जिसे आप कहें जो पीरियड होता है उसमें जो ब्रेन का जो लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट है जिसे आप फ्रंटल लोब कहते हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबसाइड उस वक्त वो ब्लॉक होता है, और जो मेजर ब्रेन का फोकस होता है वो इमोशनल थिंकिंग की तरफ होता है, जिसकी वजह से आप नोटिस करते होंगे कि बहुत दफा एंगर में आप रिएक्ट कर जाएं और उसी के 5 मिनट बाद आपको ये एहसास होने लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया, या आपने गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया, या कोई और तरीका कार भी हो सकता था। ये इस बात का सबूत है कि क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने कुछ देर बाद खुद ब खुद डिसेलेरेट होना होता है, वही प्रोसेस जो तेज हुए होते हैं उन्हें वापस से कुदरती तौर पर डिक्लाइन होना होता है, तो आपका जो शटर गिरा हुआ होता है थिंकिंग प्रोसेस पे वो वापस से अपलिफ्ट हो जाता है और पर्सन फिर लॉजिकली सोचना शुरू करता है। इसीलिए जो स्ट्रैटेजीज में जो डिलेइंग और डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनका जिसे आप कहें कि बहुत ही इफेक्ट रोल है, जिसके थ्रू जो है अपना जो एंगर का एक्सप्रेशन है वो मैच किया जा सकता है। सबसे पहले लेवल पर रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज, ब्रीदिंग, आप पे कुछ प्रोग्राम्स में मल्टीपल जो डॉक्टर भी आफ्ताब ने भी कंडक्ट किया है, डॉक्टर उज्मा ने भी किया, और आपने बहुत दफा सुनी होंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं, ठीक है, वो आपको रिलैक्स करने में, आपकी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें कूल डाउन करने में बहुत मददगार साबित होती।
जब आप नोटिस करते हैं एंगर की कैफियत में कि आपकी जो हार्ट रेट है, जो आपका ब्रीदिंग रेट है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, जो आपके वाइटल जो साइन है वो रैपिड हुए हुए हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम लेवल तक अपनी बॉडी पे पहुंचानी जरूरी होती है। उसका तरीका एक और सिंपल ही होता है कि आपने चेस्ट पे हाथ रखें एक, और एक अपने पेट पे हाथ रखें और अपने पहले ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करें। इनहेल ऐसे करना है कि आप सांस से इन करेंगे इनहेल, और इस दौरान आप काउंट करेंगे हम 1 2 3 और होल्ड करेंगे, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 और फिर उसके बाद एक्सहेल करेंगे मुंह से। इस पैटर्न को आप जब रिपीट करेंगे, आपको फोकस ये करना है कि आपका जो चेस्ट पे हाथ है वो मूव नहीं करना चाहिए जिस वक्त आप सांस इन कर रहे हैं। जिस वक्त आप सांस इन कर रहे हैं तो आपका जो पेट पे रखा हुआ हाथ है उस बाहर आना चाहिए, जो कि इस बात का सबूत होगा कि आपकी जो सांस, जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की है वो डायफ्रामिक लेवल तक गई है और आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी चेस्ट ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग से। जब आप मल्टीपल, शुरू में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इस क्योंकि हैबिट डेवलप नहीं होती और एग्जर्शन फील होती है, लेकिन जब आप इसे हैबिचुअली रिपीटेडली अपनी जो डेली लाइफ में जो है रिपीट करते रहेंगे तो ये जो है आपके आपकी हैबिट में जो है इनकलकेट होगी और आपके लिए ईजी होगा और वो एग्जर्शन आप फील नहीं करेंगे। साथ साथ सवालों के जवाब जो है जब अपना प्रोग्राम मेरा एंड की तरफ जा रहा होगा मैं बिल्कुल दूंगी। मेरे पास क्वेश्चंस जो है वो पॉप हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले जो है अपनी जिसे आप कहें जो टॉपिक है उसकी मेन डायमेंशन जो है वो कवर कर लूं तो शायद ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, रिलैक्सेशन तो एक ही आपकी स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी अपने ट्रिगर्स को जैसे मैंने समझने के लिए कहा कि आप अपनी एंगर डायरी मेंटेन करें। आप छुपा के रख सकते हैं दूसरों से अगर चाहते हैं कि कोई ना देखे, लेकिन जिस तरीके से हम अपनी बेस्ट मेमोरीज लाइफ की जिसे आप कहें सेफ हैं और उन्हें इंजॉय करते हैं, उस अपने प्रोसेस को समझने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरी लाइफ में जो मेरे एंगर इंसिडेंट्स हैं, एंगर एक्सप्रेशंस के लेवल रहे हैं, उनको मैं अपनी डायरी में मेंटेन करूं, और जिसमें मेरे तीन टारगेट होने चाहिए। सबसे पहले मैं ये देखूं कि व्हाट ट्रिगर्स, क्या किस चीज ने मेरे एंगर को ट्रिगर किया है, बेसिक ट्रिगर है क्या, सिचुएशन क्या थी, लेकिन उसमें रियलिटी जो है वो ट्रिगर जो है क्या था, ठीक है। दूसरा, उसमें मेरी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस थे या इमोशनल जो फीलिंग्स थी मेजर, वो इमोशनल फीलिंग्स क्या थी। तीसरा, जो मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो क्या था। वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मेरा जिसे आप कहें कि पॉजिटिव था या एक्सप्रेशन डिस्ट्रक्टिव था, क्या वो वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा था जिसने किसी को हर्ट किया और बाद में मैं उस पे मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुई या मुझे रिग्रेट्स हुए, ठीक है। ये चीजों को आप मेंटेन करें, और जब आपके पास दो या तीन इस तरह की आप में मेंटेन हो जाएं आपके इंसिडेंट्स, तो आप फिर उन्हें एंगल्स में विजुअलाइज करें और उन्हें इवैल्यूएट करें कि आपका कौन सा थिंकिंग पैटर्न यानी कौन सी थॉट है जो आपको सबसे ज्यादा आपकी इमोशनल हर्ट की तरफ लेके जाती है, जो आप रिएक्ट करते हैं या आउटबर्स्ट की तरफ जाते हैं, और दूसरा के जो आपने एक्सप्रेशन किया है उसका एक असर्टिव वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकता था। यूजुअली इस डेटा से आपको ये हेल्प मिल सकेगी कि आप नोटिस कर सकेंगे कि आपके जो अल्फाज हैं, ठीक है, उनमें आप कहाँ जो है जिसे आप कहें सख्ती की तरफ जाते हैं या जिनको आपको रिमूव करना चाहिए। आपको ये भी बात समझ में आएगी कि क्या वो जो ट्रिगर्स हैं वो वाकई में इतने इम्पोर्टेंट हैं या इस मैग्नीट्यूड के हैं जिस तरह का रिस्पॉन्स आपने दिया था, तो आप उन्हें रिफॉर्म कर सकेंगे। हमेशा याद रखिए कि जिस वक्त आप जिस वक्त आप एंगर की कैफियत में हो, आपको जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी है, आप बजाय रिस्पॉन्स फौरन देने के, रिएक्शन देने के,
अगर आपको अल्फाज आपकी जबान पर रखे हुए भी हैं तो आप उस वक्त अपने आप को स्टॉप लगाइए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एक्रोनियम है स्टॉप का, ठीक है, STOP, जिसमें S का मतलब है स्टॉप, ठीक है। सबसे पहले C, ठीक है, कि वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, और स्टॉप योर स्पीकिंग एट दैट टाइम। ये आपको करना है इसलिए क्योंकि ये तय है कि जिस वक्त आप इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं तो आपके मुंह से आने वाली बात होगी वो रिस्पॉन्स नहीं होगा अप्रोप्रिएट, वो रिएक्शन होगा, वो इम्पल्सिव कोई एक्शन हो सकता है। सो आपको वहां पर इसका जो एस है वो यूटिलाइज करना है, ठीक है। फिर आप जाएंगे टी पर। टी क्या कहता है? टी कहता है टाइम आउट, ठीक है, कि आप पॉज देंगे, यानी आप उस टाइम आउट में आप जो है उस सिचुएशन से हट सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम कभी कन्वर्सेशन सिचुएशन में होते हैं तो हम इस वजह से बीच में नहीं छोड़ सकते, तो वो और ज्यादा जो है वो किसी के एंगर को प्रोवोक कर देता है। तो आप ऐसे उठ के नहीं जाएंगे, आप इस जो जो जब आप मूव हैं वहां से आप उस पर बात कर सकते हैं कि एक्सक्यूज करके कि आप जो है 5 मिनट के अंदर वापस आते हैं, ठीक है, या आप इस वक्त ऐसी स्टेट में नहीं हैं, आप थोड़ा सा फ्रेश होके वापस से इस प्रोसेस को, इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे, सो दैट कि जिसके साथ आप अपने आप को एक टाइम आउट के लेवल पर लेके जा रहे हैं उसको ये सेंस ना जाए कि आप जो है उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो आपने जो टाइम आउट के लेवल पर, यानी एस से आपने स्टॉप स्पीकिंग, ठीक है, जस्ट डाइवर्ट योर सेल्फ, टी टाइम आउट योर सेल्फ, आप पॉज करेंगे। पॉज करना इसलिए जरूरी है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो कामनेस के लेवल पर आएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप सिचुएशन में उस वक्त मौजूद रहेंगे, वहां से मूव नहीं करेंगे, ठीक है, या ट्रिगर जो भी आपका ट्रिगर है एंगर का वो आपके सामने होगा तो वो मुसलसल आपकी जो सर्कल है एंगर का उसको ब्रेक नहीं देगा, ठीक है। इसलिए टाइम आउट करना या पॉज देना इंतहाई जरूरी है। फिर आइए ओ की तरफ। ओ कहता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज व्हाट? ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, आपकी सोच। आप नोटिस करें कभी जिस वक्त आप उससे कैफियत में होते हैं तो यहां पर जहन में, माइंड में आपके मल्टीपल थॉट्स होती हैं, जो थॉट बम्बार्टमेंट चल रही होती है और आपकी पास्ट मेमोरीज भी पॉपअप हो रही होती हैं, आप जो करंट ट्रिगर होता है आप उस पर भी फोकस कर रहे होते हैं, आप अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ साथ आप ये भी सोच रहे होते हैं क्या बोलना है। तो एक मल्टीपल जिसे आप कहें लेवल है वो एंगेज होता है, जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव जो थॉट होती है, ठीक है, वो जो है आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो ऑर्गेनाइज में आपने ये करना है, आप अपने आप की जो थॉट है आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि बेसिकली रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ, जिस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, वो एक्चुअल सिचुएशन है क्या, आपके एंगर का एक्चुअल ट्रिगर है क्या, आपको कौन सी चीज प्रॉब्लम कर रही है, आपका कौन सा ऐसा इमोशन है जो पॉपअप आपको ट्रिगर कर रहा है। आप इस रियलिटी को जो है इस स्ट्रक्चर करेंगे अपने माइंड में। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम कि जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर करके कि अब आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बिहेवियरली, ठीक है, वर्बली कम्युनिकेशन में और बिहेवियरली, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि आपको दूसरे को हर्ट ना करे, आपको बाद में एम्बैरेसमेंट के लेवल पर ना लेकर जाए। पी क्या कहता है? एस हमने देख लिया कि आप स्टॉप करेंगे स्पीकिंग, टी हमने देखा आप टाइम आउट करेंगे यानी पॉज करेंगे ताकि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो काम डाउन हो। वो कहता है आप ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे अपने थॉट्स को, पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे। और पी कहता है आपको प्लान। ये वो है कि अब आप प्लान करेंगे स्ट्रक्चर करने के बाद कि आप जब वापस से सिचुएशन में इंटर हो रहे हैं तो वहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन में जो स्टेटमेंट होंगी उसमें जो टोटलाइजिंग वर्ड होते हैं नेवर और ऑलवेज, आप इनको अवॉइड करेंगे। तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो, ठीक है, ये तो ऐसे ही होना है, ये तो कभी ही नहीं होगा, ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये दूसरे को ब्लेमिंग का सेंस देते हैं जिसकी वजह से
कम्युनिकेशन हॉल्ट होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है वो डिफेंसिव होता है और वो आपकी बात को समझने और रिस्पॉन्स करने के बजाय वो भी रिएक्शन के लेवल पर आ जाता है। तो पी के लेवल पर आप ये प्लान करेंगे कि आपका वर्बल एक्सप्रेशन कैसा होगा और आपका बिहेवियरल, जो जिसे आप कहें कि डेकोरम कैसा होगा, आप किस तरह अपने आप काम रखते हुए अपना जो मेन हर्ट फीलिंग है कम्युनिकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर सपोज जैसे मैं बहुत सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ कि आपका किसी के साथ प्लान बनता है, सपोज कि आपको किसी के साथ घूमने जाना है, ठीक है, या आपने कोई मूवी वॉच करने जानी है, और आपका जो दोस्त है वो हमेशा की तरह, हमेशा मैं वर्ड ऐड कर रही हूँ, हमेशा की तरह जो है वो लेट पहुंचता है 20-25 मिनट, जिसकी वजह से अब आपका प्रोग्राम जो है वो शायद आप टाइम ज्वाइन ना कर पाए। अब ये चीज आपको एंगर की फीलिंग की तरफ जो है लेके जा रही है। नेचुरल सी बात है, एक कमिटमेंट है, और जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो हम अच्छा महसूस नहीं करते। तो हाउ यू विल कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड, ठीक है, एक तरीका है कार जो कि आम और यूनिवर्सल तरीका है कार है, वो तो ब्लेमिंग वाला है कि आप ये कहना कि तुम हमेशा यही करते हो, तुम्हारी वजह से यही होता है, ठीक है, या मेरा प्रोग्राम जो है खराब हो जाता है, और ब्लेमिंग मोड में आप चले जाएं। दूसरा अच्छा तरीका यही है, ठीक है, कि आप कामनेस के साथ अपने डिस्ट्रेस को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, पर्सन की रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। वो किस तरीके से, कि अगर हमें हमारा एक प्लान था, ठीक है, अगर मैं मूवी शो से देखता तो वो चीज जो है मेरे लिए ज्यादा प्लेजरेबल होती। अब क्योंकि मैं मूवी टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो मुझे जो है बॉदर कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये मेरा शिकवा है जो मैंने कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी मैं ये ब्लेमिंग नहीं कर रही कि तुम्हारी वजह से मैं ये फील कर रहा हूं या तुम्हारी वजह से मेरा प्रोग्राम खराब हो गया। ज्यादा चांसेस हैं कि जो सामने वाला पर्सन है, क्योंकि आपने रिस्पेक्टफुली उसे ये कम्युनिकेट किया है, वो इस बात को अंडरस्टैंड करे और वो अपोलॉजी की तरफ आ जाए, ठीक है। सो बहुत दफा जो स्टॉप की ये टेक्निक है, ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप किस तरीके से अपना जो एक इमोशनल प्रोसेस है एंगर का, आप उसे एडिकेटली जो है अपने रिलेशनशिप में जो है वो प्रेजेंट कर सके। अच्छा, इसके साथ साथ जिस वक्त आप एंगर स्टेट में होते हैं तो मल्टीपल जो लेवल पर, एक कहलाती है कि मेंटल काम टेक्निक्स होती हैं और एक होती है बिहेवियरली कामनेस टेक्निक होती हैं। मेंटल कामनेस टेक्निक्स में यूजुअली आप किसी भी ऐसी पॉजिटिव इमेजरी की तरफ डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी कोई पास्ट जो जिसे आप कहें ह्यूमरस मेमोरी जो है रिकॉल कर सकते हैं, जो इमोशन की जो रिस्पॉन्स है उसको क्विक स्विच करती है। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन की बहुत सारी ऐसी शरारतें याद करते हैं तो आपका मूड जो होता है वो एकदम से बूस्ट हो जाता है और हो जाता है। या आप कभी कभी अपनी पुरानी एल्बम में कुछ तरह की पिकनिक या इस तरह की चीजों, जो फ्रेंड्स के साथ कुछ अपनी ऐसी आउटिंग्स की पिक्चर्स को देखते हैं तो आप वापस से उन्हीं मेमोरीज में पहुंचते हैं और उन एक्सपीरियंस को, उन फीलिंग्स को वापस से बहुत दफा जब आपको लगता है कि आप टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हैं और सिचुएशन इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैन मेंटली टॉक टू योरसेल्फ एंड मेंटली इमेजिन, ठीक है, सच टाइप ऑफ प्लेजरेबल मेमोरीज ऑफ लाइफ दैट कुड ब्रिंग योरसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेट। सो आप मेंटल इमेजरी के थ्रू कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मैंने कहा जो हम स्टॉप टेक्निक की बात कर रहे थे कि जब आप जिस वक्त प्लानिंग के लेवल पर हैं, ठीक है, और आप वापस से री एंटर होने जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट जो है वो आप अपनी हमेशा अपने पास लिख के भी रख सकते हैं, जो आप दोहरा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है किसी भी ऐसे वापस स्टेट में, क्योंकि जिंदगी में बहुत दफा हर चीज हमारे हिसाब नहीं होती है। तो जब भी आप इस स्टेट में जाए तो आप अपने आप को ये सेल्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिचुएशन इज टेम्पररी, ठीक है, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या जो भी टर्मोइल आप फेस कर रहे हैं, याद रखिए हर चीज टेम्पररी है और इमोशंस जो है उनकी एक क्वालिटी है कि वो टेम्पररी है। यही वजह है कि आप हर वक्त नहीं रहते, यही वजह है कि आप हर वक्त जो है उदास भी नहीं रहते, यही वजह है कि आप हर वक्त गुस्से भी नहीं रहते, यही वजह है कि आप हर वक्त चिड़चिड़ा शिकार भी नहीं रहते, और मैनी ऑन,
ठीक है। इमोशंस की ये बेस्ट क्वालिटी है कि वो टेम्पररी होते हैं, इसलिए किसी दाना ने बहुत खूब कहा है कि कभी भी आपको अपने इन टेम्पररी इमोशंस में परमानेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए या ऐसे एक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए जो आपकी लाइफ में परमानेंट, जिसे आप कहें आपके लिए कोई बोल्ट ऐसा छोड़ जाए जिसे फिर आप बाद में रिमूव ना कर सकें। सो पहली स्टेटमेंट ये हो सकती है कि दिस सिचुएशन इज टेम्पररी, ये टेम्पररी सिचुएशन है, जिस तरह हर सिचुएशन गुजर जाती है, हर टाइम पास हो जाता है, ये भी पास हो जाएगी एंड देन यू मे हैव बेटर ऑप्शन कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट एक ये कि आई कैन मेक थ्रू इट, ठीक है। मैं बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ओवरवेलमिंग इमोशन में अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या हम जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ये नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट है। आपको इसे ऑल्टर करना होता है इस चीज से कि आई कैन मेक इट थ्रू दिस। जब और दूसरे लोग भी लर्न करके इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं तो आप भी इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि पहली दफा में आप बहुत एडिकेटली हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सिचुएशन रीअकर अगर होगी तो आप ये सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसे मैनेज करना है। तीसरी सेल्फ कामिंग स्टेटमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपके लेवल को इनहेंस करती है कि आई माइट नॉट लाइक इट, हो सकता है, यानी आप अपने आप को ये हो सकता है क्या जरूरी होता है कि आपको वो सिचुएशन पसंद नहीं है, ठीक है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत मुनासिब सिचुएशन नहीं है, आपको ये सिचुएशन पसंद नहीं है, बट रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन मुझे अगर ना पसंद तो ये मेरे लिए इतनी हार्मफुल नहीं है कि इससे मेरी सेल्फ को, मेरी लाइफ को कोई थ्रेट हो। एक सिचुएशन है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक इमोशन है, गुजर जाएगा, ठीक है, वक्त गुजरता है, ये फीलिंग भी टेम्पररी है और गुजर जाएगी, ठीक है। शायद आपके ये नापसंदीदगी का लेवल जरूर रखती है, लेकिन ये डायरेक्टेड जो है वो है। आई विल कीप माई सेल्फ कूल अबाउट दिस, ये सेल्फ स्टेटमेंट अपने आप को देना है। वो जो काम स्टेटमेंट जो है आपने हमेशा लर्न की होंगी, आप यूजुअली सुनते भी होंगे, जो सेल्फ काम स्टेटमेंट्स होती हैं, ये रिलैक्स स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, और लोग समझते हैं कि इनको कहने का, शायद इनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो माइंड है वो रियल और जिसे आप कहें फेक चीज में डिफरेंस नहीं सकता, आप उसे जो वर्ड्स देते हैं, आप उसे जो स्टेटमेंट देते हैं वो उस पर बिलीव करता है। सर आप कहते हैं आई विल कीप माई सेल्फ कूल अबाउट दिस, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, अब आपको पता है बॉस से डांट पड़ने वाली है, ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ स्टेटमेंट देना शुरू कर सकते हैं इंटरनली, ये नहीं कि बॉस के सामने जोर जोर से शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली सामने वाला रिएक्शन ऐसा होगा कि ना आप उनके रिएक्शन को संभाल सकेंगे और ना अपने रिएक्शन को समझेंगे। सो हम यहाँ पे ये सेल्फ स्टेटमेंट जो बात कर रहे हैं, हम ये माइंड में रिपीट करने की जो सेल्फ स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सो आई विल कीप माई सेल्फ कूल अबाउट दिस, ठीक है, और ये आप बहुत आसानी से ट्रेनिंग से सीख सकते हैं कि हाउ टू रिलैक्स योर ओन बॉडी, हाउ टू मैनेज योर फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स। दिस इज नॉट वर्थ गेटिंग अपसेट अबाउट, एक अनदर सेल्फ काम स्टेटमेंट है कि ये बहुत मामूली सी बात है, इस पे इतना अपसेट होने वाली जो है शायद जो है कोई बात नहीं है, या अपसेट होना, ठीक है, इस मसले का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अपसेट होने में क्या होगा कि वो सिर्फ आपकी फिजियोलॉजी को हर्ट करेगा। वो कहते हैं ना कि जो गुस्से की कैफियत होती है बेसिकली वो एक फायर की तरह है, एक आग की तरह है, ठीक है, कि जिस जो पर्सन उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है सलसल जो है वो अपने आप को पेन की कैफियत में रखता है, ठीक है। सो इसी वजह से कहा ये जाता है कि आप उसे प्रोसेस करें, ठीक है, ये कहीं भी दाना बात नहीं है कि आप जो है वो जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़े रहें, ठीक है, और एक्सपेक्ट ये करें कि आपका हाथ न जले। अगर आप एंगर को सप्रेस करेंगे, उसे बॉटल्ड अप होने देंगे, तो फिर वो चीज जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। एक दफा को तो आप शायद अपने एंगर को सप्रेस कर लें, लेकिन फिर वो जो इम्यूनिटी, जो इमोशनल इम्यूनिटी में जो वीकनेस क्रिएट होती है, फिर बाद में आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे छोटे छोटे से भी अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो वहां पर आउटबर्स्ट होता है और वहां पर आप टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये पांच सेल्फ काम स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको इस वक्त बताई हैं, ठीक है, कि आई मेक इट
ठीक है, थ्रू दिस सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज टेम्पररी, आई माइट नॉट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये ऐसी भी सिचुएशन नहीं है जो मेरी लाइफ के लिए थ्रेट हो, इट विल हील्ड अप सून, आई विल कीप माई सेल्फ कूल अबाउट दिस, चाहे कुछ भी हो मैं जब कूल रखूंगी अपने आप को तभी मैं थिंकिंग प्रोसेस एडिकेटली अप्लाई कर सकूंगी, एंड ये कोई भी यानी जो भी इशू लाइफ में वो इतना वर्थ वाइल नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी इमोशनल हेल्थ को या उसके लिए मैं अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करूं, ठीक है, ये चीजें मेरे कंट्रोल में, ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर हम ये कहते हैं ना कि किसी शख्स की वजह से हमें गुस्सा आ गया, ठीक है, किसी शख्स वो तो उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं, ठीक है, कि मुझे गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब है कि हम ये एडमिट करते हैं कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में हमने दिया हुआ है, वो बटन दबाएगा तो हो जाएंगे, वो बटन दबाएगा तो हम जो है सैड हो जाएंगे, वो बटन दबाएगा तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे, सो कीप योर रिमोट कंट्रोल ऑन योर ओन हैंड बाय रिलैक्सिंग योर सेल्फ, ठीक है, बाय यूटिलाइज मल्टीपल स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसमें आप जो है अपने आप को कामनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। थॉट्स को अपने रिस्ट्रक्चर करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको फर्दर मदद करता है कि किस तरीके से आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख सकें, ठीक है, और उन्हें लाइफ में अपने यूटिलाइज कर सकें, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो जिसे फिजिकल अप्रोचेस की जो हमने बात की है, सॉरी मैं क्वेश्चंस भी देख रही हूं, ओके मैं आती हूँ इस पे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपके कमेंट्स को जो है अभी 10 मिनट्स में रैप अप करके और वापस से आपके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ, ठीक है। सो अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें, हमने स्टॉप टेक्निक, ठीक है, इस वक्त देखी है, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात की है, हम जिसपे रिलैक्सेशन के लेवल की बात जो है करें, जिसमें प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जो है वो भी टेक्निक्स हो सकती हैं। इसके हमने थॉट रीस्ट्रक्चर करने की बात की है कि आप अपनी उन थिंकिंग पैटर्न को, उन बिलीफ को कैसे टारगेट कर सकते हैं जिनकी वजह से आप एंगर के रिएक्शन की तरफ आते हैं, और चौथी हमने देखी है कि हम कामिंग स्टेटमेंट से कैसे अपने आप को, वो जो हमारा जो यहां पर जो जिसे आप कहें प्रोसेस हाईली एक्टिवेट हुआ हुआ होता है, हम उसे जो है वो कैसे जो है वर्केबल लेवल पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जब आप एक्सप्रेशन के, आपका एक्सप्रेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में होंगे तो आप जो थिंक यानी सोचना, वो आप जनरली हमें डायरेक्शन है ना, पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो, इसका मतलब है कि हमेशा जब एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन का लेवल होता है दो लोगों के दरमियान तो उसमें बहुत सोच समझ के गुफ्तगू की जरूरत होती है। मैंने वर्ड गुफ्तगू पे इसलिए जोर दिया है कि हम बातचीत को सिर्फ फोकस करते हैं, गुफ्तगू एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिस्पेक्टफुल वे में आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के साथ, तो बजाय इसके कि हम आर्ग्यूमेंट्स में जाएं, हमें डिस्कशंस में या गुफ्तगू में जाने को कैसे जाया जाता है इस चीज को सीखना होगा, ठीक। हमेशा इस बात पे सोचिए, जो थिंक का एनक्रोनियम है ना, हमेशा थिंक कहते हैं ना सोचो, तो TINK थिंक, ठीक है, टी इज हमेशा जो आप बोलने जा रहे हैं, ठीक है, सोचें कि क्या वो दुरुस्त है, इज इट ट्रू, क्या वो हेल्पफुल होगा, ठीक है, जो भी आप बोलने जा रहे हैं वो सिचुएशन को सॉल्व करने में, वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, आपके एंगर को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, इज इट इंस्पायरिंग, क्या ये वो इंस्पायर करेगा किसी को जो आप बोलने जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो किसी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो उसे सुनेगा तो वो उसे समझेगा, ठीक है, या वो उसके को रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, वो डेफिनेटली अगर वो ब्लेम नहीं होगा और वो रिस्पेक्ट के साथ अप्रोप्रिएट वर्ड की कम्युनिकेशन होगी तो वो इंस्पायरिंग होगा। इट नेसेसरी, जो आप बोल रहे हैं या जो चीज आप बताने जा रहे हैं क्या वो बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत दफा एंगर में ऐसा होता है कि हम पैटी चीजों को जो है फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं और जो मेजर इशू होता है वो साइड पे रह जाता है, और बहुत दफा लोग ये कहते हैं कि एंगर में जिस बात पे लड़ाई शुरू होती है या जिस बात पे गुस्सा शुरू होता है, जब एंड पे आप पहुंच रहे होते हैं तो आपको ये याद भी नहीं होता कि किस बात पे होता है, क्योंकि ड्रैगिंग हो चुकी होती है, तो हमें ड्रैग नहीं
क्या होता जो है हमें उस पॉइंट पर फोकस रखना है। तो जो भी बात आप कर रहे हैं अगर वो जरूरी है, ठीक है, अगर वो हेल्पफुल है, अगर वो किसी को इंस्पायर कर सकती है, अगर वो पॉजिटिव है, ट्रू है, ठीक है, और अगर वो काइंड वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट की जा रही है तो देट वुड बी एक्सेप्टेबल इन कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में जो हर मसला है वो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, और एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसमें ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो हॉल्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम जो है अपनी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है और अपनी जो थॉट है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते। सो अगर ये थॉट, फीलिंग और एक्शन का, तीनों का कनेक्शन हम समझ कर, ठीक है, उसे प्रोसेस करें तो हम बहुत बेस्ट वे में अपने जो एंगर के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक जिसे आप कहें कि रूलर है लाइफ में, ठीक है, रूलर का वर्ड यूज किया जाता है यूजुअली, कि जहां पर जिसके थ्रू आप हमेशा उस रूलर पर जो है वो अपने आप को जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। वो रूलर क्या है, रूलर RULER, रूलर रिकॉग्नाइज इमोशन इन सेल्फ एंड अदर्स। ये सीखिए कि जो आपके अपने इमोशंस हैं, आपका टेम्परामेंट है, ठीक है, वो कैसे रिकॉग्नाइज कीजिए। जब तक आपको मुझे अपनी सेल्फ अवेयरनेस इमोशन के हवाले से नहीं होगी तो मैं उन्हें हैंडल करने में हमेशा मुश्किल का शिकार रहूंगी, और उसी तरह दूसरों में भी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिस तरीके जो टेम्परामेंट आपका है वही टेम्परामेंट दूसरे का, लोगों की नेचर फर्क होती है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, लोगों का मिजाज फर्क होता है, हमें उन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली इमोशनल लेवल पर। तो सबसे पहले अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करना सीखिए, ठीक है, कि आपके इमोशंस हैं क्या, डोमिनेटिंग इमोशंस क्या हैं। फिर यू की तरफ आइए, रुके, अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए, इस बात को समझिए कि बेसिकली जो वो क्या कॉजेज हैं, ठीक है, जो कि आपके नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या कॉजेज हैं जो आपके नेगेटिव इमोशन लीड करते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी लाइफ में नहीं होगी तो वो एंगर ही क्या, जो और दूसरे इमोशंस भी हैं, आपको उन्हें रेगुलेट करने में डिफिकल्टी होगी। एल से आता है लेबलिंग इमोशंस एक्यूरेटली, ठीक है। आप लोगों को ये अंदाजा होगा हमें बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमारी कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, हम इमोशंस को सही लेबल नहीं कर पा रहे होते। बाज दफा ऐसा होता है कि हम चिड़चिड़ाहट की कैफियत में होते, हमें लगता है कि हम गुस्से में, बाज दफा ऐसा होता है कि हम जो है वो सैड फील कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि हम जो है वो एंगर की कैफियत में है। तो अपने इमोशंस को करना एक्यूरेटली सीखिए। बाज दफा ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हालांकि वो एंजाइटी नहीं होती है, वो कोई और दूसरा आपका इमोशन, वो या वो फियर, वो गिल्ट हो सकता है। तो अपने इमोशंस को लेबल करना सीखिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना सीखिए कि आपके अपने जनरल इमोशंस हैं क्या, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके इमोशन को कॉज करती हैं, और वो कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपके इमोशंस की वजह से आपको फेस करने पड़ते हैं। फिर लेबल कीजिए अपने इमोशंस को एक्यूरेटली, समझिए, ठीक है, जब तक आप समझेंगे नहीं उस वक्त तक आप लेबल नहीं कर सकते। ई से एक्सप्रेसिंग इमोशंस एप्रोप्रिएटली, इमोशंस को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना एक आर्ट, और उस आर्ट के लिए आपको असर्टिव ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प दे। इंशाल्लाह जो हमारे आगे के लेटर प्रोग्राम है जिसमें मैं एक जो आपका थॉट प्रोसेस है पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न को, जो अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स जो है आप इनकलकेट कर सके, और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो इमोशंस के एक्सप्रेशन को जो है वो अप्रोप्रिएटली जो है वो मैनिफेस्ट कर सके, ये मैं आपके आने वाले प्रोग्राम्स में मेरे टॉपिक होंगे जिसमें आप जो है सीख सकेंगे असर्टिव जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी। आर कहता है इमोशंस इफेक्टिवली, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना। हमने अपनी लाइफ में शायद अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखा होता, ठीक है, हमने या प्रेस करना सीखा होता है, या तो हम उन्हें दबा देते हैं, ठीक है, या हम उन्हें डिनाई करते हैं, ठीक है, या हम उन्हें वक्त पर चेंज कर देते हैं किसी ना किसी दूसरे एक्शन में, ठीक है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, बड़े बड़े माहिर नफ्सियात जो जो गुजरे हैं, ठीक है, और रिसर्चेस ये कहती हैं, और जो आपका एक बॉडी सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम है ये बताता है कि जब आप किसी भी इमोशन को सप्रेस करें तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है,
वो हमें रहता है, ठीक है, वो जाये नहीं होता, वो पलता रहता है अंदर और वो जमा होता रहता है और वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बार बार ट्रिगर करता रहता है, ठीक है, और वक्त ढूंढता है कि कब ऐसा कोई वीक पॉइंट आए जहां पर वो जो तमाम बॉटल्ड अप इमोशन है एकदम मैनिफेस्ट हो और जहां आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। असर्टिव एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर आप अपने एंगर को असर्टिव एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना सीखेंगे, अपनी बॉडी को कामनेस के साथ कैसे मेंटेन करते हुए बातचीत की जा सकती है, आप अपने एंगर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में राइज कर सकते हैं, उस एनर्जी को पॉजिटिव जिसे आप कहें गोल अचीवमेंट के लिए। हमेशा जो कहा जाता है ना कि जब आप गुफ्तगू करें, ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो इख्तलाफ राय है उसका एहतराम करना, करने की फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए, और इख्तलाफ करने के लिए ये जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं, डिस्कशन में जाना ये बजाय अपनी आवाज को बुलंद करने अपने दलाइल को मजबूत करना चाहिए, लॉजिक पर स्विच करना चाहिए, ठीक है। जो होते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो उसका गोल होता है कि आपको जीतना है, जबकि डिस्कशन होती है वो आपको लीड करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, ये आप उसमें फर्क करने की तमीज सिखाती है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी बॉडी की जो रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज हैं, अपनी वर्बल एक्सप्रेशन की जो असर्टिव स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, अपनी जो माइंड जो थॉट कंट्रोल का जो पर्सपेक्टिव चेंज का जो लेवल है, मैं इन तीनों एस्पेक्ट को अगर मैनेज करूंगी तो मैं एंगर को इफेक्टिवली मैनेज करना जान सकती हूँ, जिसके लिए मुझे बाद में जो है कोई रिग्रेट्स जो है वो नहीं होंगे। अपनी एंगर डायरी मेंटेन करें ताकि आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर सकें, उसमें फिर प्लानिंग ये डेवलप करें कि अपने रिएक्शन जो कि फ्रूटफुल नहीं है उन्हें आप कैसे स्विच करेंगे पॉजिटिव एक्शन से, ठीक है, अपनी जो रिएक्शन है उसको एनर्जीज की तरफ जाएं ताकि आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन के बाद आप किसी चीज सोच सकें और आप एक्ट आउट सही कर सकें। दिन में हमेशा 3 टाइम, ये मेरा मशवरा है बींग माहिर याद आप लोगों को, चाहे आपको गुस्सा आए या ना आए, चाहे कोई वर्स सिचुएशन हो या ना हो, अपनी जिंदगी में अपने ये रूटीन में ये आदत बनाइए कि दिन के मुख्तलिफ औकात में 3 का सिर्फ 2 मिनट स्पेंड कीजिए, ठीक है, अपनी वर्ल्ड जो अराउंड है आपके, जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी दुनिया है, ठीक है, जिसे आप अपनी दुनिया कहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, वो आपकी वर्क सिचुएशंस भी, ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, ठीक है, वो स्कैन कीजिए, इन अ सेंस के अपने माइंड में स्कैन कीजिए और तलाश कीजिए कोई ऐसी 3 न्यू चीजें पॉजिटिव चीजें जो आपने एक्सपीरियंस की हूं, ठीक है, न्यू लर्निंग्स एक्सपीरियंस की हूं, ठीक है, ऐसी न्यू लर्निंग्स, ऐसे न्यू एक्सपीरियंस जिनके लिए आप शुक्रगुजार महसूस करते हो, एक ऐसी मेमोरी, कोई एक ऐसी थॉट, ठीक है, जो आपके लिए प्लेजेंट हो या प्लेजेंट रही हो, उसको रिवाइव करना, ये आप अपनी आदत बनाएं, कम से कम 21 दिन तक इस प्रोसेस को जारी रखें, दिन में 3 दफा 2-2 मिनट के लिए ये स्कैनिंग, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी लाइफ में होने वाले कोई 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं आप उन्हें स्कैन करेंगे और उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, ठीक है, और एक पॉजिटिव मेमोरी रिलीव करेंगे। 21 डेज तक अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया तो, और कंसिस्टेंटली का मतलब है कि बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है, और आपने एक फेथ के साथ किया, तो आपका जो माइंड है, माइंड की एक क्वालिटी है, ठीक है, उसकी जो ब्रेन की एक प्लास्टिसिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ट्रेन होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी माइंड की जो वायर्ड है वो हमेशा इमोशंस को बहुत क्विक पिक करता है, लेकिन जब हम इस तरह की स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं तो हम एक्चुअली अपने माइंड को ये ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स की तरफ कैसे जाना है।
गाहे बगाहे अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैं मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज भी आपसे शेयर करती रहूंगी, और आपके जो कमेंट्स हैं या जो आपके इनबॉक्स मैसेजेस हैं उसमें और दूसरी टेक्निक्स भी हम शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि सारी चीजें रमजान का महीना है और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है बहुत ज्यादा टाइम को प्रोलोंग जो है प्रोग्राम को प्रोलोंग कर सकें। सो दैट्स वाई जो चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो उनको जो है हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अपने आप को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा अहमियत दीजिए। आप और हर इंसान जो आपके इर्द गिर्द है उसकी एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, उसका एक पर्पज है कि वो इस लाइफ में मौजूद है। और आपके जो जितने भी इमोशंस हैं उन सब का एक ही पर्पज है, आपको कोई ना कोई लाइफ में वो पर्पज जो है उसकी तरफ वो आपको डायरेक्ट करता है। एंगर एक ऐसा इमोशन है जो आपको डायरेक्ट करता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन डेंजर। सो इस इमोशन को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज कीजिए, इसको डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कीजिए। और यकीन मानिए कि ये सलाहियत आपके अंदर इनबिल्ट है, सिर्फ करने की जरूरत है, थोड़ी सी स्ट्रेटजीज के थ्रू, थोड़ी सी लर्निंग के थ्रू, थोड़े से प्रैक्टिकल स्टेप्स के थ्रू आप जो है इसको जो है बहुत आसानी से जो है कवर अप कर सकते हैं। सो हमेशा ये याद रखिए कि लाइफ में बहुत दफा हमसे मिस्टेक्स ऐसी होती हैं या बहुत दफा हम इनइफेक्टिव रहते हैं अपने उन गोल्स में या अपनी उन चीजों में जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि वो हमारी लाइफ का एंड होता है। वो सिर्फ वो तरीका हमने अप्लाई किया होता है, हमें उसे इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है और अपने स्टेप्स को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। हमें मुसलसल ऑन गोइंग रहना होता है, मुसलसल हमें मूव करते रहना होता है। हम अगर पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, हम अगर ये सोचेंगे कि हमें इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम इस चीज को एडमिट करें कि इमोशन हमारी ही पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, ठीक है, हमारा ही कंपोनेंट है, इसका मतलब है हमारे इख्तियार में भी हो सकते हैं, बस सिर्फ बेस्ट स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की देर है। आई होप सो दिस प्रोग्राम वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन जो है वो कुछ रिव्यू करूं जो कि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकती हूं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन हु फॉलोइंग मी, दिस इज माय प्लेजर टू हेल्प यू ऑल आउट। ओके एक क्वेश्चन है, हाउ टू फॉरगेट पास्ट एंड हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। इस पे हमारा आगे प्रोग्राम वाला है साहब, और उसमें आपको जो है इसका बहुत जो है बेहतरीन जो है आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे इस विंडो में लिखा है तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए बता दूं कि ये जहन में रख गुजर गया, ठीक है, वहां पर मेरा कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, हमारी लाइफ में जो सबसे जिसे आप कहें कि होता है जो हम कर रहे होते हैं, वो हम बजाय प्रेजेंट में रहते हुए हम इग्नोर कर रहे होते हैं प्रेजेंट को और पास्ट में रिलिव कर रहे होते हैं, उस पास्ट में रहे होते हैं जो कि अब गुजर गया, ना हम वहां पे वक्त में वापस जा सकते हैं, ना वहां पे हम कोई चीज चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम उन पास्ट लर्निंग से, हम उन पास्ट जो हमारे नेगेटिव हो सकते हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनसे लर्न क्रिएट कर जिससे हम आज बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जा सकता है, इसके लिए जो हमारा एक थिंकिंग जो पैटर्न्स और ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग, वो आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा। स्टे विद अस। ओके,
बहुत सारे एसेज मेरे इनबॉक्स में भी पॉपअप हो रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग. डेफिनेटली प्लान अ ट्रेनिंग जो है मल्टीपल इस तरह पे, जो कि एक घंटे से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की हो, और उसमें हम आपको जो है वो हेल्प आउट जो है वो कर सकेंगे. आप को ये सारी मालूमात जो है इसी पेज से जो है मिल सकती हैं. वेरी सून यू विल बी हियरिंग द पर्टिकुलर गुड न्यूज. शॉर्ट टेम्परामेंट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने आपको एक स्टॉप टेक्निक बताई है, मैंने आपको मल्टीपल वैक्सेशन स्ट्रेटजीज बताई हैं. शॉर्ट टेम्पर का मतलब, आप अगर इसी को उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूं तो शॉर्ट इट मीन्स देयर इज समथिंग शॉर्ट, ठीक है, मिसिंग है. तो अगर आप उस शॉर्ट के वर्ड को हटा के उधर प्रोसेस डाल देंगे, अगर यानी यहाँ पर प्रोसेसिंग का स्टेप है वो असल में होता है शॉर्ट. तो अगर अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करके, अपने ट्रिगर्स अंडरस्टैंड करके, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करेंगे, तो देन डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैंडल योर शॉर्ट टेम्परनेस. एंड डेफिनेटली जो आपके अंडरलाइन इमोशन, ठीक है, उनको समझने की जरूरत है. अगर ये पॉजिटिव है लाइफ में तो इसका मतलब है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके जो प्रोसेस को, इमोशनल प्रोसेसिंग का जो जिसे आप कहें फंक्शन है, उसको हॉल्ट किए हुए हैं. उसके लिए आपको किसी माहिर नफ्सियात से जरूर हेल्प लेनी चाहिए, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता है उस प्लान के लिए जो कि आपके लिए वर्केबल हो. ओके सनोबर नदीम, डेफिनेटली वी विल बी डूइंग दिस माइंडफुल सेशन. जो मैं आपसे थिंकिंग पैटर्न वाली कर रही हूँ उसमें ये माइंडफुल सेशन जो है वो हम ऐड करेंगे. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जाफर. ओके द डिस्कशन कैन बी, एक किसी का कमेंट है, द डिस्कशन कैन बी हेल्ड विद म्यूचुअल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल कंसर्न, बट इफ द पर्सन हु ऑन द एंगर बटन फॉर डू नॉट वॉन्ट टू कम्युनिकेट शोइंग रेजिस्टेंस, देन हाउ टू डील विद दिस रेजिस्टेंस. जो मैं आपके कमेंट से समझ पाई हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्कशन जब भी हो सकती है के जो उस पर्सन के साथ जब करना चाहे, जो अब एंगर बटन ही पर बैठा हुआ है और वो कम्युनिकेशन में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उससे कैसे बात की जाए. दैट इज द पॉइंट, इज आपके ही कमेंट के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है. अगर आप याद रखें, अगर पीछे हम रिव्यू करें, क्विक रिव्यू करें, तो मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको ये बताया कि जिस वक्त एंगर बटन ऑन है, इसका मतलब है कि जिस वक्त आपकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑन है, इसका मतलब है कि जिस वक्त पर्सन कामनेस के लेवल पर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप आना है. हम पहले फिजियोलॉजी को कामनेस और रिलैक्सेशन की तरफ आएंगे, तभी कोई पर्सन कम्युनिकेशन की तरफ आ सकता है. हमने कहा है कि हमें करना है और हमने डिले करना है. अगर हम उस सिचुएशन में कंसिस्टेंटली, अगर मिसाल के तौर पर, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता, एंगर का एक विषय है कि हमेशा इंपल्सिव रिएक्शन की तरफ लोग जाते हैं, या तो उसे बहुत इंपल्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करें या उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं. ठीक है, एक मीडियोकर वे अपनाना है. ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो हर किसी का, जैसे मैंने कहा, टैलेंट फर्क है. कुछ लोगों का एक दिन में गुस्सा नहीं उतरता, कुछ लोगों का आधे घंटे में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों का महीने महीने चलता है, कुछ लोगों का चार दिन में ठीक हो जाता है. ठीक है, यानी वो जो फीलिंग्स होती हैं, तो हर किसी का अपना पैटर्न होता है. तो जिस पर्सन की भी आप बात कर रहे हैं, आपको ये जज करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, कि यूजुअली उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो है क्या एक्चुअली. ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है अपने इमोशन को. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई कम्युनिकेशन रिजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि या तो वो ये समझता है कि वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको सही तरीके से डील नहीं कर पाएगा. उसका कोई ऑफ भी हो सकता है शायद, कि वो वापस से अगर कम्युनिकेशन में आया तो जिस कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है वो वापस से रिलिव हो जाएगा. ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो है वो ये सोच रहा हो कि अगर उसने रिजिस्ट ना किया तो शायद उससे कोई ऐसा या रिएक्शन हो जाए जो कि शायद फिर बाद में टॉलरेट ना किया जाके या और ज्यादा सिचुएशन को वर्स्ट कर दे. तो जैसे मैंने कहा था कि थिंकिंग को फ्लेक्सिबल रखना है, कोई भी रीजन हो सकता है बिहाइंड उसके उस रेजिस्टेंस पे. तो बजाय एंगर पे हम बात करने के, हम उसके रेजिस्टेंस के लेवल पर, कि उसका रेजिस्टेंस एक्चुअली हो किन चीजों की वजह से रहा है,
सकता है कि हमारे ही कुछ कम्युनिकेशन में इस तरह के ट्रिगर्स मौजूद हों जो कि जिनके वजह से वो कम्युनिकेशन जो है अवॉइड करता हो. सो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था जो असर्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है. सो दे कैन अंडरस्टैंड ठीक है टू हाउ टू हैंडल सच ऑफ केसेस जहां पर रेजिस्टेंसेस हो और आप उन्हें कैसे जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके इफ अ फादर ऑलवेज टॉक इन एंगर वे हाउ कैन वी रियलाइज हिम अबाउट हिज एंगर. हाँ बहुत दफा हमारी कोशिश ये होती है फौरन ये चाहते हैं कि दूसरा रियलाइज कर ले ठीक है. मगर रियलाइजेशन से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमें अपनी जजमेंटलनेस को हैंडल करने की जरूरत है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो शख्स एक मुसल क्रॉनिक एंगर में या ये है ये टेम्परामेंट है तो इसका मतलब है कि वो मुसलसल एक पेनफुल फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है. कोई भी ट्रिगर हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन को समझने की कोशिश कीजिए तो शायद आपको इस चीज का भी जवाब मिले. बहुत दफा हम डायरेक्ट रियलाइजेशन कराने के बजाय अगर हम हेल्पफुल हैंड प्रोवाइड करते हैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे लोगों को जो सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, तो अगर हम उन्हें उनके एंगर को पर्सनलाइज ना करें तो शायद हम हेल्प आउट कर सकें उन इमोशन की प्रोसेसिंग में. तो बजाय रियलाइजेशन के अगर अपने गुड गेस्चर अपनी एक सपोर्टिव स्ट्रेटजीज से हम उनको ये सेंस दे सकें कि हम उनके लिए मौजूद हैं, हम उनकी बात सुन सकते हैं ठीक है, या हम उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं और उन्हें ये सेंस दें, उनके साथ एम्पथाइज करें और फिर उसके बाद जो है एक असर्टिव वे में हम उन्हें ये बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो उनका एक्शन है या जो वे है वो किस तरीके से उसका इफेक्ट जो है सामने वाले पर या बच्चे पर, यूजुअली फादर की जब बात है तो बच्चों ही के लेवल पर होती है कि वो किस तरीके से जो है बच्चों में के अंदर जो है मल्टीपल रिएक्शंस क्रिएट कर रहे हैं. ऐसे सेंस में हम बात करना चाहिए जिसमें हमें ये ना जाए कि हम ब्लेम कर रहे हैं, जहां पर दूसरे पर्सन को ये लगे, जब हम कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से ये बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो हमें पर्सन को डिफेंस के लेवल पर नहीं जाना बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जाना है, जिसके लिए सबसे पहले एम्पथाइज करना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि सामने वाला पर्सन है वो किस टर्मोइल से गुजर क्यों रहा है और क्या रीजंस हैं, हम उसे हेल्प आउट कर सके उन रीजन को सॉल्व करने में. ओके बुशरा फारूक, योर रिक्वेस्ट हैज बीन नोटेड बाय द एडमिन ऑफ द ग्रुप. वी विल डेफिनेटली इस टाइप की जो जितनी भी स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स हैं जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं वो हम प्रोफेशनल्स के लिए और जो जनरल पॉपुलेशन के लिए जिस तरीके से भी हम कंडक्ट कर सकें हम इनके प्लान जो है वो जरूर शेयर करेंगे. अभी पूरा रमजान है और हम पूरे रमजान इंशाल्लाह आपके साथ हैं. ट्यून विद अस ठीक है. अरिहा रफीक, विच टाइप ऑफ एंगर इज मोर टॉक्सिक, शाउटिंग और बी साइलेंट फॉर अ पर्सन इट्सेल्फ. एंगर मैंने जैसे कहा कि टॉक्सिक सिटी की बात जब होगी जब आप इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे ठीक है. एंगर एक इमोशन है जो ये बताता है आप ठीक है कि देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग ठीक है. इस इमोशन का एक पर्पज ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपको चेंज लाने की जरूरत है, ये आपका एंगर आपको बताता है. अगर आप एंग्री क्या कोई भी ऐसा इमोशन है जिसे आप सप्रेस करके बॉटल अप करते जाएंगे तो वो टॉक्सिक होगा आपके लिए और दूसरों के लिए भी. शाउटिंग और भी टॉक्सिक है डेफिनेटली. चीखने से जिसे आप कहते हैं कि जब कोई चीख रहा होता है तो कोई कोई की बात सुन नहीं रहा होता ठीक है, उस चीखने का कोई फन नहीं है सिवाय इसके कि मैं जो है अपनी एक भड़ास लूं, लेकिन वो मुझे उससे गोल मुझे क्या अचीव होगा, कोई गोल अचीव नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मेरे रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट पर जाएंगे. साइलेंट रहने से क्या होगा कि एक दफा मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूं, दूसरी दफा कर रही हूं, तीसरी दफा कर रही हूं, मैं बॉटल अप किए जा रही हूं, तो इसका मतलब ये है
कि मैं अपने अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो सेफ जा रही है, तो देन डेफिनेटली वो भी मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है. तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन जो है, इंडिकेट एक्सप्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. नहीं शाउटिंग और ना ही साइलेंट, आपके लिए साइलेंस जो है वो हेल्पफुल नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग अस फॉर टॉपिक्स. आपको पता है कि हमारे पैनल में न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और इसके अलावा भी हम गेस्ट स्पीकर्स को इन्वाइट करते रहेंगे, जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारा पर्पज है कि हम आपको हेल्प आउट कर सकें. Unfortunately, लास्ट वीक मेरा ये प्रोग्राम टेक्निकल रीजन की वजह से आप तक कम्युनिकेट ना नहीं हो सका, लेकिन आई एम फीलिंग ब्लेस कि मैं एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो रमजान के महीने में कर रही हूँ. अपनी दुआओं में याद रखिए. आई होप सो कि दिस प्रोग्राम इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. विल बी शेयरिंग फर्दर टेक्निक्स विद यू इन कमिंग वेल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.